बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, हैतरहम करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम पेथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो पेथोफिजियोलॉजी की जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास, एट द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न एबल टू डिफाइन पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, डिफ्रेंशिएट एमोंग पैथो फिजियोलॉजी एंड अदर बायोमेडिकल साइंसेज, डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज एंड इट इज डिवेलपमेंट, ब्रीफली डिस्कस ईच ऑफ द फाइव कंपोनेंट द डिजीज प्रोसेस, प्रिवेलेंस, इथियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव और ये बेसिक है। तो आप बेसिक पे बेसिक पे कंसेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, पैथोलॉजी क्या है? द वर्ड्स पैथोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, पैथो मीन फीलिंग और सफरिंग एंड लोगो मीन द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो ये आप इंस्टीट्यूट के लिए याद रखें कि पैथोलॉजी हमारे पास किस जुबान का लफ्ज़ है। तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, और उसका माना क्या है कि कोई भी चीज़ अगर सफ़र हो या उसको फीलिंग हो कि मैं कोई बीमारी में मुबतला हूँ, तो हमारे पास पैथो का मीनिंग है। ठीक है, और लोगोस, तो आप 19th से पढ़े आ रहे हैं कि लोगोस मीन किया है कि स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। ठीक है, जब हम साइंटिफिक साइड पे कोई डिजीज़ की स्टडी कर लेते हैं, मतलब लैब लैब की जितने भी लेबॉरेटरी जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो हमारे पास पैथोलॉजी के बेस पे होते हैं, मतलब वो डिजीज़ को फाइंड करने पे होते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट कॉज आर कॉज्ड बाय डिजीज। ठीक है, तो हमारे पास पैथोलॉजी डील करते हैं, पैथोलॉजी किस की डील करते हैं कि वो उसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शनल चेंज आया हो या तो सेल में, इसी तरीके से कोई भी बॉडी में चेंजेस जब आए फंक्शनली या स्ट्रक्चरली, तो हम किस में स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब जब आप कहते हैं कि मतलब कोई भी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल चेंज आए, तो फंक्शनल और स्ट्रक्चर चेंज किस में आएगा? तो सेल में, या तो सेल में आएगा या टिश्यू में आएगा या आर्गन में आएगा। इसीलिए वो बता रही है कि हम क्या करते हैं कि हम काज को फाइंड आउट करते हैं पैथोलॉजी में, कि मतलब काज ऑफ द डिजीज फाइंड करते हैं कि उसको क्या मसला है। ठीक है, तो हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? नो, अब हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है कि जब बॉडी की ह्यूमन की जितने भी फंक्शन होते हैं, मतलब इंटरनली फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि जब हमारे सेल टू सेल या इसी तरीके से जितने भी हार्मोनल चेंजेस हो गया, ठीक है, और जितने भी सर्कुलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो उनको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि फिजियोलॉजी है। जब हमारे पास द टर्म कंबाइन द वर्ड्स पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जब हमारे पास पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी कंबाइन हो जाए, तो उससे क्या वर्ड्स बन जाते हैं? पैथोफिजियोलॉजी बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाते हैं कि दस द पैथोफिजियोलॉजी डील नॉट ओनली विद द सेलुलर एंड ऑर्गन चेंज दैट अकर विद डिजीज। ठीक है, तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी वो मतलब वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली द सेलुलर और ऑर्गन डिजीज ऑर्गन चेंज दैट अकर। ठीक है, तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी में हम ओनली ये नहीं स्टडी करते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक सेलुलर डिजीज़ हो। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में हम तमाम बॉडी में जितने भी चेंजेस आ जाते हैं और या तो फंक्शनल या तो वो स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप उसको ऐसा ना समझें कि हम पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि हम पूरे बॉडी में जितने भी कोई बॉडी में फंक्शनल चेंज आ जाए, तो उनको हम, ठीक है, तो हमारे पास जितने भी चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी आल्सो फोकस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइनिंग डिजीज एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज थेरापेटिक हेल्थ केयर मेजर एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी जितनी भी अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म होते हैं, मतलब एक फिजियोलॉजिक फंक्शन हमारे बॉडी में जब होते हैं ना, तो उनकी बारे में, उनकी जो बैकग्राउंड होते हैं, मतलब उसकी जितने भी हम मैकेनिज्म,
तो फिर हम क्या करते हैं कि जितने भी बैकग्राउंड होते हैं, तो हम कोई भी डिजीज़ वगैरह बॉडी में जिस जगह पे भी कांस हो तो उसकी मैकेनिज्म को हम फोकस कराते हैं, और उनकी प्रिवेंशन के लिए हम उनको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है। और मतलब थेराप्यूटिक एक्शन करते हैं। तो थेराप्यूटिक हेल्थ या थेराप्यूटिक एक्शन वो एक्शन होती है जब एक पर्सन डिजीज़ में मुबतला हो और वो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए आप उनको कोई रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये जब उसको ये डिजीज सफरिंग पर्सन को कोई भी आप कोई भी एजुकेशन देते हैं तो उनको हम थेराप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर एंड प्रैक्टिस कहते हैं, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम उस पर फोकस करते हैं। एन अल्टरनेशन डिफिनी अल्टरनेटिव डिफिनीशन इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज एज दे कोरिलेट विद द अंडरलाइनिंग एबनॉर्मलिटी एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो हमारे पास एक और डिफिनीशन ये है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी के, कि हम उसमें बायोलॉजिकली और फिजिकली कोई भी मैनिफेस्टेशन आए, मतलब साइन और सिम्टम कोई डिजीज़ उसको हो जाए और उसकी जो फिजियोलॉजिक एबनॉर्मलिटी होती है, तो जब वो कांस होती है ना, तो उसके बारे में या तो हम मतलब दोनों भी फिजिकली भी मतलब उसको देखते हैं कि कोई भी एम्पुटेशन वगैरह या कोई भी मसला तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम उनको डिजीज़ प्रिवेंशन या उनकी ट्रीटमेंट के लिए वर्क करते हैं। और अगर कोई बायोलॉजिकल हो, मतलब सेल टू सेल हो, इंटरनली आर्गन के दरमियान हो, ठीक है, तो उनको भी हम क्या कराते हैं, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि हम उसकी साइन और सिम्टम से कोई भी डिजीज़ उसको हुआ हो तो हम देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, तो फ्रॉम ग्रीक माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ठीक है, तो फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, तो ये हमारे पास ग्रीक वर्ड्स है माइक्रो स्मॉल एंड बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन टू स्टडी, ठीक है। तो हमारे पास जब हम स्मॉल ऐसे स्मॉल लाइफ वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं, जो कि हम उसको अपनी नेकेड आई पे नहीं देखते हैं, ठीक है, थ्रू माइक्रोस्कोप जब चीज़ को हम देखते हैं तो उनको हम माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर डिफाइंड एज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इधर अ सिंगल सेल यूनिसेलुलर एंड सेल क्लस्टर एंड आर हैज नो सेल एट ऑल ए सेलुलर, दिस इंक्लूड यूकैरियोटिक्स एंड सच एज पंजाय एंड प्रोकैरियोट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर हमारे पास फोर क्लासेस में डिवाइड हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, पहला जो क्लास है हमारे पास वायरस है, बैक्टीरिया है, पंजाय है और पैरासाइट है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें ये टू जो है वो हम अपने नेकेड आई पे देखते हैं, ठीक है, थीके? एक होगा पैरासाइट और इसी तरीके पंजाय, ये दोनों हम देख सकते हैं, ठीक है, अपने नेकेड आई पे। और जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं तो वो थ्रू माइक्रोस्कोप हम देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें भी है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने बताया, तो इसमें यूनिसेलुलर भी है, मतलब ओनली वन सेल से भी बनाया हुआ है और वो मल्टीपल सेल से भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, और इसी तरीके से यूकेरियोट्स जो कि उनमें मतलब क्या हो जाते हैं, यूकेरियोट्स भी एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म है और इस तरह प्रोकैरियोट भी है, लेकिन उस यूकेरियोट और प्रोकैरियोट जो है वो मेनली डिफरेंशिएट हुआ है अदरवाइज ऑफ न्यूक्लियस, के प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं लेकिन साइड में सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है, तो वो और जो यूकेरियोट्स होते हैं तो जितने भी हम देखते हैं इसमें यूकेरियोट्स में हम भी आते हैं, ठीक है, थीके? तो इसमें मेनली मतलब वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये तो बेसिक है, तो हम अभी जाएंगे, ठीक है। तो वायरस एंड फ्रांस दैट थ्रू नॉट स्ट्रिक्टली क्लास एज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो स्टडी, ठीक है। तो हम वायरस की स्टडी करेंगे, तो ये हम ये इसीलिए स्ट्रिक्टली उसने क्लासिफाई नहीं किया हुआ हो, ठीक है, इसीलिए उसने उस पॉइंट को बताया है कि ये हम स्ट्रिक्टली मतलब क्लासिफाई नहीं कर सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है ना, तो वायरस की, तो वायरस की ये नेचर मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्चुअली, तो ये आप याद रखें, ठीक है, ठीक है। तो वायरस का मेनली नेचर वो यही होता है कि वायरस जब होस्ट मतलब उसमें ये वायरस में खुद अपनी न्यूक्लियस नहीं होते, ठीक है, तो जब एक सेल में न्यूक्लियस नहीं होते तो वो तो लिविंग हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, तो जब ये होस्ट में चले जाएगा तो वो फिर लिविंग होगा, ठीक है। तो इसलिए वो मतलब हम स्ट्रिक्टली कोई भी किसी तरह का लिविंग क्लास में हम नहीं दे रख सकते, ठीक है। तो ये इसके लिए लिविंग सेल रिक्वायर्ड होते हैं, जब लिविंग होस्ट उनको रिक्वायर्ड हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब जिंदा हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, ठीक है, वायरस, लेकिन वो किस फॉर्म में होंगे, डेड फॉर्म में, और वो अगर हम मतलब ज़मीन वगैरह से टच कर ले और वो माउथ के थ्रू अंदर इंटेस्टाइन वगैरह में चला जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो फिर लिविंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वायरस के लिए बेसिकली उसके लिए लिविंग सेल रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी इन अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है इसीलिए कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, फॉर एग्जांपल वायरोलॉजी वायरस की भी स्टडी होती है, माइकोलॉजी मतलब फंजाई की भी स्टडी होती है, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक चीज़ पे वो लग जाते हैं ना, तो उससे अपना जो खुराक होते हैं ना तो वो अपने लिए उससे खुराक लेते हैं लेकिन उनको बेनिफिट नहीं देते हैं। ठीक है, उनको नुकसान देते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट का कंसेप्ट थोड़ा यही है। ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी तो उसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, और इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की जितने भी डिफेंस सिस्टम है, एंटीबॉडी, एंटी मतलब लिकोसाइट और इसी तरीके से सब जो चीज़ें होते हैं ना वाइट ब्लड सेल, तो उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी डील विद द आइसोलेशन विद आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शंस एजेंट सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट दैट कॉज डिजीज। ठीक है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन कर ले किस चीज़ के, जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट हो। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब यही है कि जितने भी पॉथोजन बॉडी हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो वायरस हो गया, वो बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, सब चीज़ें जो कि डिजीज़ काज करते हैं तो उनको हम इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जो बाहर से आया हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन उन ये चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन सच एज यूरिन, फीसिस एंड स्वाब आर एग्जामिन to identify pathogen to select the appropriate treatment। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम थ्रू द स्पेसिमिन हम थ्रू लेते हैं यूरिन, यूरिन का टेस्ट भी हम कर लेते हैं, फीसिस का और स्वाब का भी। ठीक है, तो हम इस चीज़ों से कोई मतलब एक पर्सन से मतलब स्पेसिमिन लेके लैब में चले जाते हैं और उसमें मतलब उसकी पैथोलॉजी को मालूम करते हैं। ठीक है, कि कोई इस डिजीज़ को कास्ट करना मतलब कौन सा पैथोजन मतलब रिस्पांसिबल है। ठीक है, तो ये हम जब एग्जामिन करते हैं ना तो हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास हेमाटोलॉजी है, तो हेमाटोलॉजी भी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेमा मीन ब्लड एंड। ठीक है, तो हमारे पास हेमाटोलॉजी है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, ही मीन ब्लड एंड लोगोस मीन टू स्टडी। ठीक है, तो जब हम ब्लड की स्टडी करते हैं तो उनको हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। ठीक है, तो हेमाटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ब्लड, द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीज़। ठीक है, तो हम हेमाटोलॉजी में ये स्टडी करते हैं कि जो ये जो ब्लड होती है ना तो वो किस आर्गन को फॉर्म कर लेते हैं, मतलब किस आर्गन से ये पैदा हो जाते हैं। ठीक है, थीके? तो ये वो भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसकी ब्लड की जितने भी डिजीज़ होते हैं तो वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, द लेबोरेटरी वर्क दैट गोज़ इन टू द स्टडी ऑफ ब्लड frequently performed by a medical technologies to identify pathogenic agent which cause disease। ठीक है, तो हम मतलब लेबॉर्ट्री में लेबॉर्ट्री का वर्क हेमाटोलॉजी में इसीलिए होती है कि हम कोई भी जब पर्सन आ जाए तो हम उससे ब्लड लेते हैं और वो जाके मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी पे वो टेस्ट होते हैं, मतलब उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं किस चीज़ की जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं जिसने क्या वो डिजीज़ को काज किया हो, तो उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हम ज़्यादातर लेबॉरेटरी साइड पे वो बहुत ज़्यादा अभी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या है कि फिर हमारे पास इम्यूनोलॉजी है। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, किस वजह से कि हमारी बॉडी की जितने भी डिफेंस सिस्टम होते हैं ना तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम खास करना किस का काम है, तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है, मतलब कोई भी फॉरेजन पार्टिकल जब आ जाते हैं तो हमारी बॉडी उनको एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब जब एंटीजन, एंटीजन का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी फॉरेजन बॉडी जब आ जाती है और उसका मकसद क्या होता है कि हम बॉडी में कोई भी डिजीज़ कास्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो जब वो हमारे पास एज अ फॉरेजन बॉडी या पैथोजेनिक एजेंट आ जाते हैं तो हमारा बॉडी क्या कराते हैं, उनको मतलब उनको एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे। इट डील विद द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इन स्टेट ऑफ बोथ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो हम फिर फिजियोलॉजिकली जितनी भी फंक्शन होते हैं ना, तो इम्यून सिस्टम ये हम बोथ हेल्थ और डिजीज ये सब हम इसमें इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजीज एबनॉर्मेलिटी में भी में द रिजल्ट ऑफ इधर अंडर एक्टिविटी, मतलब या तो हमारी इम्यून सिस्टम कम काम कर रहा हो तो उनको हम इम्यूनो डिफिशेंसी कहते हैं। ठीक है, और अगर ओवर एक्टिविटी करता हो तो उनको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो मतलब एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी है हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें कि हमारे पास ओवर एक्टिविटी का काम है। ठीक है, अब द इम्यूनियम सिस्टम, जनरल इम्यूनियम सिस्टम इंटरेक्ट विद पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, तो हमारे पास जनरल जितने भी इम्यूनियम सिस्टम होते हैं तो वो हमारे पास
इंटरेक्ट होते हैं परजिन पॉर्टिकल से, मतलब पैथोजेनिक माइक्रोब से। पैथोजेनिक माइक्रोब हमने बार बार आपको पढ़ी कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि उसका मकसद होती है कि आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज़ काज कर सके, ठीक है। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम भी अपने लिए खुद हिफाजत करते हैं ना, तो वो उससे मतलब लड़ाई करते हैं। और अगर पैथोजेनिक जो बाहर से आए हैं वो उस पे मतलब डोमिनेंस हो गया, मतलब मजबूत हो गया, तो हमारे इम्यून सिस्टम को हमको डिजीज़ कास किया जाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम उस फॉरिजन पार्टिकल पे मतलब मजबूत हो गया तो क्या कराते हैं, तो वो मतलब डिजीज़ को कास नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हेल इन 1948 द परमिएबल द टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेल बींग एंड नॉट मेयरली द एबसेंस ऑफ डिजीज एंड इम्पोर्टिटी। तो हमारे पास हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में ये कंस्टिट्यूट किया है कि कंप्लीट मतलब हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ हमारे पास जब एक पर्सन की कंप्लीट वो फिजिकल भी फिट हो, वो मेंटली कॉग्निटिव भी फिट हो, और इसी तरह सोशली वेल बींग हो, मतलब दूसरे माशरे में जो सोसाइटी है होते तो उनमें भी वो अच्छी तरीके से इंटीमेसी हो, ठीक है, मतलब उसको उसके साथ भी वो गहरी दोस्ती में हो, ठीक है। तो जब ये कंपोनेंट एक इंसान में होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम हेल्थी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी फैक्टर या फिजिकल ठीक ना हो या मेंटल ठीक ना हो या सोशल ठीक ना हो, एक भी ठीक ना हो, तो उनको हम हेल्थी नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डिजीज़ क्या है, अ डिजीज़ हैज़ बीन डिफाइंड एज एन इंटरप्शन कसेशन और डिसऑर्डर ऑफ अ बॉडी सिस्टम और ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट इज करेक्टराइज यूजुअली बाय रिकॉग्नाइज इथियोलॉजिक एजेंट और एजेंट एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम आर कंसिस्टेंट एनाटॉमिक अल्टरनेशन, ठीक है। तो हमारे पास डिजीज़ क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी मतलब डिसऑर्डर आ जाए और कोई भी सिस्टम वो अपना एक्टिविटी स्टॉप कर ले, उनकी जो फिजियोलॉजी होते हैं और स्ट्रक्चर बेस पे होते हैं, तो जब वो इफेक्ट होते हैं किसी भी इथियोलॉजिक फैक्टर के, मतलब किसी भी इथियोलॉजिक एजेंट की वजह से कोई भी हमारा बॉडी साइन और सिम्टम शो करते हैं और एनाटॉमिक अल्टरनेशन आ जाते हैं, तो उनको हम डिजीज़ कहते हैं। इन शॉर्ट यही है कि हमारे पास स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब चेंज आ जाते हैं किसकी वजह से, कोई भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, तो उनको हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। द एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस इंक्लूड एथियोलॉजी पैथोजेनेसिस मॉर्फोलॉजिक चेंज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल कोर्स, ठीक है। तो हमारे पास डिजीज़ क्या होते हैं कि द एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस इंक्लूड, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास डिजीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट होते हैं, उसकी एस्पेक्ट में वो मौजूद होते हैं कि उस हम पर बाद में इथियोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजिक चेंज पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायग्नोसिस, क्लिनिकल कोर्स, ये सब हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एथियोलॉजी क्या है कि द वर्ड इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रीक, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड है एथियोलॉजिया, गिविंग अ रीजंस फॉर इट इज द स्टडी ऑफ द कॉजेशन और ओरिजिनेशन, ठीक है। तो हमारे पास जब हम कोई किसी डिजीज़ की खास के बारे में और उसकी जो ओरिजिनेशन होती है किस जगह से पैदा हुआ है, तो जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उनको हम एथियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये जिस सब हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, तो ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ एथियोलॉजी आएगी तो आप एथियोलॉजी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एथियोलॉजी, हमारे पास टू टाइप्स के एथियोलॉजी होते हैं, ये भी इंस्टीट्यूट के लिए याद रखें, एक हमारे पास जेनेटिकल और जो दूसरा होता है हमारे पास एक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकल जो होते हैं वो हमारे पास ड्यू टू एबनॉर्मिलिटीज ऑफ क्रोमोसोम कार्ड म्यूटेशन या डिफेक्ट इन जीन, ठीक है। तो हमारे पास जब एबनॉर्मिलिटी आ जाते हैं क्रोमोसोम में, हम कितने क्रोमोसोम से बने हुए हैं आपको याद है, 46 क्रोमोसोम से हमारा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। तो 23 मतलब मेल्स और 23 फीमेल्स, ये सब डिवीजन हुआ है, लेकिन हम उस जगह मतलब नहीं जाना चाहते क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या है कि ओवरव्यू देंगे कि हमारे पास जब हमारी क्रोमोसोम में मतलब जीनेटिकली मटेरियल में कोई भी म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन का मतलब है कि सडनली जब चेंज आ जाते हैं, ठीक है, डीएनए का अपना अपना सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, थीके? तो जब उसकी सीक्वेंस में जीन लगे हुए हैं, जब उसकी जीन में कोई भी मतलब डिफेक्ट आ जाए, ख़राब हो जाए, तो उनको हम जेनेटिकल इथियोलॉजी, मतलब कोई भी डिजीज़ आ जाए तो ये जेनेटिकल डिजीज़ हमारे माँ बाप से हमको ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, थीके? तो बाई बर्थ जो डिजीज़ मिले हुए हैं उनको हम इथियोलॉजी मतलब जेनेटिकल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, थीके? फिर हमारे पास एक्वायर्ड होते हैं, तो एक्वायर्ड वो डिजीज़ होते हैं
कि हमारे पास विच मे बी कॉज बाई, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स से काज होते हैं, मतलब बायोलॉजिक एजेंट से, मतलब बैक्टीरिया और वायरस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको डिजीज़ मिल जाए, मतलब हम डिजीज़ में मुबतला हो जाए तो उनको हम बायोलॉजिकल एजेंट कहते हैं, और अगर केमिकल की वजह से तो उनको हम ट्रामा या बर्न बर्न या रेडिएशन वगैरह, जब हमारे बॉडी को मतलब डिजीज़ में मुबतला किया जाए तो हम उनको फिजिकल एजेंट कहते हैं। जो पेड़ है वो हमारे पास केमिकल पॉइजन्स हैं, जो कि जब कोई चीज़ मतलब पॉइजन्स वगैरह या अल्कोहल इसकी वजह से कोई इथियोलॉजी आ जाए, मतलब डिजीज़ कहाँ हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल पॉइजन। जो न्यूट्रिशनल की वजह से न्यूट्रिशन डिफिशेंसी किया, एक्सेस या डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जब इससे हमारी बॉडी मतलब ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है वो होते ना, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है, कि वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को डिजीज़ कास करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कि हमारे बॉडी भी अगर कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मतलब जब हमारा इम्यूनो डिफिशेंसी हो जाए, हमारा इम्यूनियम वीक हो जाए, तो फिर हमको डिजीज़ बहुत ज़्यादा क्या कि हम बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ससेप्टेबल का मतलब यही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, मतलब उन हमको आसानी से डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जब इम्यूनियम सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं तो वो रिएक्शन कोई पारजन पार्टिकल के खिलाफ नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से उनको डिजीज़ कास करते हैं कास किया जाता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी मतलब हार्मोनल चेंज आ जाए, इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की लॉस हो जाती है, तो ये सब चीज़ें जब इफेक्ट होते हैं वो हमारे पास इस वजह से जो डिजीज़ कास होते हैं तो उनको हम एक्वायर्ड डिजीज़ कहते हैं, समझ गए। फिर हमारे पास रिस्क फैक्टर है द मल्टीपल, तो ये हम पहले से आपको एक कंसेप्ट देते हैं कि रिस्क फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो डिजीज़ कास करने वाले होते हैं, ठीक है। डिजीज़ अभी कास नहीं हुआ लेकिन डिजीज़ कास करने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि वो जो फैक्टर है वो एग्जिस्ट हुआ है, मतलब वो कारण उसको मतलब आपको क्या आपको पता चलता है, ठीक है, मतलब पहले से कोई भी फैक्टर हो तो वो मतलब होते हैं, और डिजीज़ का नहीं ना, मतलब उसकी जो डिजीज़ होते हैं वो कास्ट नहीं होते, उनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। इसको देखो, द मल्टीपल फैक्टर दैट प्री डिस्पोज टू अ पर्टिकुलर डिजीज ऑफ्टन आर रेफर टू एज अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो उसने एक वर्ड यूज़ किया है कि प्रीडिस्पोज का मतलब ये है कि वो फैक्टर जो पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब मौजूद होते हैं लेकिन डिजीज़ काज अभी तक नहीं हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल हम दे देते हैं कि मतलब अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा लेट तक अपने मोबाइल में लगे रहते हो, ठीक है, और 1-2 बजे 3 बजे सो जाते हैं, फिर वो अगर मतलब नमाज के लिए सुबह उठते हैं, मतलब 5 और 6 AM पे, तो उनको अगर उसकी डेली ये रूटीन चलते हैं ना, तो उसकी जो मेंटल और साइकोलॉजिकल ये सब उसको इफेक्ट करते हैं, तो ये रिस्क फैक्टर है। ये रिस्क फैक्टर ये है कि वो बहुत लेट सोता है, ठीक है, तो ये लेट सोना उनके लिए रिस्क फैक्टर है कि वो फॉर एग्जांपल इसने ये कंडीशन तकरीबन मंथ इसी तरीके से सस्टेन किया कि वो 3 बजे सोते हैं और 5 AM पे वो उठते हैं, ठीक है, सुबह, तो वो क्या करते हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल स्लीप की जो रिदम होते हैं तो वो फिर इंसोम्निया और इसी तरीके से हाइपरसोम्निया, ये सब डिजीज़ जो होते हैं वो उसको खास होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर आपने आपको समझ आ गया। फिर हमारे पास कंजेंटल कंडीशन होते हैं। कंजेंटल कंडीशन पहले से हम कंसेप्ट देते हैं कि कंजेंटल कंडीशन वो कंडीशन होते हैं जो कि एक पर्सन को बाई बर्थ मिला हो, ठीक है, बस आप ये ध्यान में रख लें। कंजेंटल कंडीशन आर डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है, ऑल दोज दे में नॉट बी एविडेंस अंटिल लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास जब एक पर्सन को बाई बर्थ एक डिजीज मिल जाए, ठीक है, और उस बाद में मतलब कुछ लेटर मतलब कुछ एयर्स बाद, कुछ महीनों बाद उस वो डिजीज़ उसमें डोमिनेंट हो जाए और वो डिजीज़ उसको काज किया जाता है, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, तो उनको हम मतलब कंजेंटल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। कंजेंटल कंडीशन में भी काज बाय जेनेटिक इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कंजेंटल कंडीशन वो जेनेटिक्स भी होते हैं, मतलब हमने पहले भी बताया कोई भी जीन वगैरह, ये जो हम मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जो फीमेल होते हैं ना, मतलब वो क्या होते हैं, उनको जेनेटिक एबनॉर्मिलिटी होती है, ठीक है, जब वो पैदा होती है तो उनको मतलब 2 क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम उनको ज़्यादा मिली हो, तो उसी वजह से वो डायरेक्ट फीमेल मतलब वो क्या पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन हो गया इन द मदर, कोई भी मदर को इन्फेक्शन हो गया तो वो भी इफेक्ट करते हैं बेबी पे, या मेटरनल ड्रग यूज़ मतलब वो जब
मतलब एक बच्चा उसके पेट में हो और वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स के यूज़ कर दे, तो उस वो भी हमारे मतलब जो फीटस होते हैं वो फीटस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर करते हैं, ठीक है। इरिटेशन हो, इरिटेशन हो और इंट्रा यूटराइन क्राउडिंग हो, ठीक है। इंट्रा यूटराइन क्राउडिंग का मतलब ये है कि एक अगर एक मदर जो है वो क्या करते हैं कि एक मदर ऐसा हो कि वो एक बेबी को डिलीवर करते हैं नॉर्मली, लेकिन उसने इस दफ़ा टू बेबी को डिलीवर करना है, ठीक है। तो अगर उसके पेट में टू बेबी को मतलब टू बेबी क्या हुआ हो, वो डिवेलप हुआ हो, तो एक मतलब उस मदर की जो ब्लड की कंटेंट होते हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल मतलब एक बेबी के लिए वो नॉर्मल अपनी ब्लड से वगैरह इसी तरीके से वो उनको खुराक देता था, लेकिन अब टू हो गया तो टू होने की वजह से उनको कोई भी डिफिशेंसी रहती है, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए तो वो क्या ब्लड डिलीवर करता है और उस ब्लड में न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो मतलब उनको हम प्लेसेंटा भी कहते हैं, तो प्लेसेंटा क्या हो जाते हैं, प्लेसेंटा वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स दोनों बेबी को होते हैं तो वो मदर पूरा नहीं करता है, तो इसीलिए उनकी जो प्लेसेंटा होते हैं तो प्लेसेंटा वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और बेबी की दोनों बेबी को एक लाजिम वो डिफेक्ट में रहते हैं, ठीक है। जब वो पैदा हो जाते हैं तो कोई भी मसला उनको लाजिम होता है, ठीक है, जब ट्वेंस पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये मदर की हेल्थ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि मदर वेलनेस में है या कोई नॉर्मल है या इलनेस में है, ठीक है। अगर वेलनेस हो मदर तो फिर ठीक है, ठीक है। आर अ कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उनको कंजेंटल कंडीशन आ जाती है। फिर हमारे पास पैथोजेनेसिस है, तो पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्ट विद एन एटियोलॉजी एजेंट अंटिल द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस ये हमारे पास क्या होते हैं, पैथो मीन डिजीज और जेनेसिस का मतलब क्रिएशन। जब डिजीज की इनिशियल कॉन्टेक्ट मतलब हम मालूम करते हैं या हम ये देखते हैं कि ये कौन सी इतियालॉजिक फैक्टर पहले हमारे साथ एंटरिक हुआ और हमको डिजीज़ कास हुआ, ठीक है। तो जब हम उसको देखते हैं मतलब डिजीज़ की क्रिएशन की जो इनिशियल टाइम होते हैं जब हम उनको देखते हैं तो उनको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कॉज डिजीज डिपेंड ऑन इट स्पीड ऑफ प्रोडक्शन एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, ठीक है। तो फिर ये हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में कि उसकी डिजीज होने का रेट जो है मतलब जो इंटेंसिटी स्पीड होते तो वो कितने हैं, ठीक है, थीके? या उसकी जो टिश्यू डैमेज करना मतलब कितने वक्त में वो टिश्यू डैमेज करते हैं, तो ये जब हम देखते हैं तो हमारे पास पैथोजेनिक में आते हैं। तो फिर हम स्टडी करते हैं मार्फालोजी। मार्फालोजी में हम कोई भी स्ट्रक्चर या फंक्शनल टिश्यू जब स्टडी करते हैं, जब फंक्शन फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बेस में जब हम एक चीज़ को स्टडी करते हैं तो उनको हम मार्फालोजी रेफर टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर आर फॉर्म ऑफ सेल आर टिश्यू, ठीक है। जब हम एक सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उनको हम मार्फोलॉजी कहते हैं। मार्फोलॉजिक चेंज आर कंसर्न विद बोथ द ग्रॉस एनाटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंज दैट आर करेक्टराइस्टिक ऑफ अ डिजीज, ठीक है। तो मार्फोलॉजिक चेंज का मकसद यही है कि जब या तो उसकी जो ग्रॉस एनाटॉमिकल चेंज आ जाए है, जब हम देखते हैं कि उसकी ग्रॉस एनाटॉमी क्या है या माइक्रोस्कोपिक चेंज उसमें जब हम देखते हैं तो उनको हम, तो ये भी आप याद रखें कि मार्फोलॉजी में हम ग्रॉस एनाटॉमी मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं और उसमें कोई भी माइक्रोस्कोपिक चेंज आया हो डिजीज का काज किया हो तो उनको हम मार्फोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम क्या है, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम साइन और सिम्टम भी कहते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और द ऑब्जर्वेबल सिम्टम बाय विच अ डिजीज में बी डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें कि हमारे पास जो अब जब हम एक चीज़ को ऑब्जर्वेबल करते हैं और उनकी जो साइन सिम्टम और डिजीज होते हैं जब वो डायग्नोसिस के लिए हम उनकी साइन सिम्टम को निकालते हैं तो उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इट इज़ हाउ अ डिसऑर्डर मैनिफेस्टेड इट सेल्फ टू एन ऑब्जर्व, तो या अभी या ये आप याद रखें कि मैनिफेस्ट का मतलब यही है कि जब हम कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, थीके? तो ये आप इस मीनिंग को भी याद रखें। साइन एंड सिम्टम आर टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज दैट अकंपनी अ डिजीज, ठीक है। जब हम एक डिजीज को फाइंड करते हैं या हम बताते हैं कि ये डिजीज़ है तो इस डिजीज़ के लिए जो एविडेंस होते हैं वो हम साइन और सिम्टम के बेस पे कहते हैं, ठीक है, थीके? या फंक्शनल और स्ट्रक्चरल की जब चेंजेस आ जाते हैं तो उनके बेस में हम कोई डिजीज़ को कंसिडर करते हैं। मतलब हम एक डिजीज़ को फॉर एग्जांपल कंसिडर किया कि उनको किडनी फेलियर होती है, किडनी जो क्या है कि क्रोनिक किडनी फेलियर है, तो किस वजह से उसका मेन क्या है कि उसको मतलब सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ये हम माइक्रोस्कोपिक भी
ये हम ये सब चीज़ें हम देखते हैं, मतलब साइन और सिम्टम को देखते हैं कि जब क्रोनिक किडनी फेलियर डिजीज़ यूरिन करता है तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म प्रोटीन भी आते हैं, उनमें ग्लूकोज भी आते हैं, ब्लड भी आते हैं, हेमेटोयूरिया हो, ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये हम उन चीज़ों को देखते हैं और फिर कहते हैं कि उनको रीनल डिजीज़ होगा। फिर हमारे पास असिम्टम इज अ सब्जेक्टिव कंप्लेन दैट इज नोटिस बाई अ पर्सन विद अ डिसऑर्डर वेयर अ साइन इज अ मैनिफेस्टेशन दैट इज नोटेड बाई एन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होते हैं जो कि पेशेंट खुद बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि नोटिस बाई एन ऑब्जर्व, और जो साइन होते हैं मतलब जो ऑब्जर्वेबल डेटा होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। पेन डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजीनेस एंड आर सिम्टम ऑफ डिजीज, ठीक है। तो हमारे पास पेन डिफिकल्टी ये सब चीज़ें जब होती है तो हमारे पास डिजीज़ के सिम्टम होती है, ठीक है। तो सिम्टम का मतलब ये कि ये सब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है। तो एन इवेलुएटेड टेम्परेचर अस्वालन एक्सट्रीमली एंड चेंज इन प्यूपल साइज आर सब्जेक्टिव साइन दैट कैन बी ऑब्जर्व बाई समवन अदर देन दिस पर्सन विद द डिजीज, ठीक है। तो हमारे पास जब बॉडी की टेम्परेचर चेंज हो जाती है, मतलब वो हमारे पास बॉडी की टेम्परेचर चेंज हुआ, स्वॉलन या प्यूपल की जो डायलेशन हो गया, या वो स्वॉलन मतलब वो सही तरीके से नहीं कराते हैं, ठीक है, स्वॉलन एक्सट्रीमिटी, ठीक है, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्वॉलन नहीं कराते हैं, या उसकी जो प्यूपल की साइज़ होते हैं वो चेंज होते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर ऑब्जर्व कर होने के बाद हम बताते हैं कि उनमें ये चेंजेस है, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो होते हैं जब हम एक पर्सन एक क्लाइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेते हैं, मतलब साइन और सिम्टम के बेस पे जो डिजीज़ हम कंसिडर करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।